बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग आज खैर खैरियत से होंगे। आज 2 सितंबर है 2023, हफ्ते के दिन शाम के 8 बज चुके हैं और 17 भादो हैं और 17 सफ़र 1445 हिजरी और मार्केट पुराने फ्राइडे को 310 पॉजिटिव। इतनी मार मारने के बाद मार्केट अभी तक 310 पॉजिटिव ही रही है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब आज पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे होंगे। अभी हाफ टाइम आया तो हमारा स्टाफ सब कह रहा है नहीं सर, हम मैच पहले देखेंगे फिर हम वीडियो रिकॉर्ड करें। तो सो बीच में हाफ टाइम आया तो हमने चलें ये पकड़ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वीडियो एक ऐसा है कि इसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और ये है नेस्ले पाकिस्तान। ये जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था वो फ्राइडे जून 10 2022 को बनाया था। उस वक्त इसकी शेयर प्राइस 5775 थी और उस वक्त सिर्फ वॉल्यूम 20 था। और आज इसकी प्राइस हम आपको शेयर कर लेते हैं। आज इसकी प्राइस 7000 और वॉल्यूम 1360 है। इसकी क्या ऐसी बात है, क्या ख़ास वजूहत है कि मैं आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि PXSX को पूरा हमने छानबीन की। प्रॉब्लम ये था कि हमें कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली जो कि EPS से ज़्यादा डिविडेंड दे रही हो। फाइनली हमने इस कंपनी को ढूंढा है नेस्ले का, और अब हम नेस्ले का जो शेयर प्राइस पे तो नहीं जाते। आपको बता दें 2022 का इसको जो है ना फाइनेंशियल्स हमारे सामने, इसका 331.86 EPS है। मगर इसका जो पे आउट देखने वाला है ना वो बहुत ही हैरान कौन है। इसने 950 एक इंटरम दिया, 850 एक दिया, 1550 एक इंटरम दिया। तो इसको अगर देखें तो ये 300-350 का इसका EPS है, मतलब 3350 का EPS है। और वहाँ उसने जो आपको मैंने बताया गया उसका जो EPS दूसरा आ रहा है ना 3310 EPS आ रहा है। तो अब आप देखें इसने अपने EPS से ज़्यादा जो है ना डिविडेंड दिया है। अब इस ये जो कंपनी है इसमें शेयर्स की फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। अब हम जाते हैं इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ पे, और अब सबसे पहले देखें इसकी बीटा वैल्यू 48 है। इसके मतलब इस कंपनी की शेयर्स ट्रेडिंग बहुत कम है और फेस वैल्यू भी इसकी 10 रुपये है। अब हम आते हैं बुक वैल्यू पर शेयर, देखिए ओनली 252 रुपीज़। तो बुक वैल्यू 252 है, मार्केट वैल्यू 7000, इट मींस द शेयर इज हैवली इन अ ओवर प्राइस्ड रेंज। बुक वैल्यू 252, मार्केट वैल्यू 7000, मतलब ओवर प्राइस्ड है। और इसका पी रेशो भी बहुत अच्छा है, 20.83 है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, 46% है। और EPS लास्ट क्वार्टर इसने 117.40 रुपये दिया है, और लास्ट एनुअल EPS जो पहले बता चुके हैं 331.8। मतलब ये वाहिद एक कंपनी ऐसी है, कुछ और कंपनी हम ढूंढ के लाएंगे आपके लिए जो कि अपने EPS से ज़्यादा आपको डिविडेंड दे रही है। मतलब एक चाहे एक तरह कह सको कि ये हमारे PSX की हातिमताई कंपनी है। तो आज से हम इसको हातिमताई कंपनी करेंगे जब तक कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है। तो इंशाल्लाह इसी तरह की एक वीडियो और बना के लाएंगे जो कि बहुत ही हाई यील्ड डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं, वो भी बनाएंगे। और आप उम्मीद करते हैं आप मैच देख रहे होंगे, और हम दुआ करते हैं, दुआ गोएं कि पाकिस्तान जीते। आप भी पाकिस्तान के लिए दुआ करें, हमारे चैनल के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ जल्द रहेंगे। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीन।